हेलो फ्रेंड्स, कहीं आप लोग टॉयलेट सोप से तो डेली नहीं नहा रहे हैं? फ्रेंड्स, मैं आपको डिटेल से आज जानकारी देने वाला हूं कि हम लोग जो है बेसिकली जो अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, अपना नहाने में जो हम लोग साबुन इस्तेमाल करते हैं, वो हम लोग जो है ज़्यादातर हम लोग जो है टॉयलेट सोप को ही इस्तेमाल करते हैं और टॉयलेट साबुन से हम लोग नहाते हैं। जो कि टॉयलेट साबुन अक्सर जो है हमारे जो है टॉयलेट से आने के बाद, यानी शौच से आने के बाद हम लोग जो है हाथ को धोने में इस्तेमाल किया जाता है, हम उसको टॉयलेट सोप को बोलते हैं। फ्रेश डिटेल से आज मैं आपको जानकारी साबुनों के बारे में देने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मेडिसिन ज्ञान में। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कई प्रकार के हमारे पास साबुनों का भी यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। फ्रेंड्स, ज़्यादातर जो है साबुन कई तरीके होते हैं, उसमें से दो तरीके के मुख्य तौर पर साबुन होते हैं। एक होते हैं आपको टॉयलेट सोप, और दूसरा जो आप हमारे जो साबुन होती है वो होते हैं आपको कार्बोलिक सोप। यानी दो तरह के सोप मार्केट में उपलब्ध होते हैं, और हम लोगों को साबुनों के बारे में बेहतरीन जानकारी ना होने के वजह से हम लोग टॉयलेट साबुन को ले आते हैं मार्केट से खरीद करके, और उसी को हम लोग डेली नहाने में प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ विशेष तरीके में बताने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते होंगे कि हमारे स्किन के लिए कि कौन सी साबुन बेहतर क्वालिटी होती है, उसके बारे में हमें जानकारियाँ नहीं होती है। ज़्यादातर जो हम लोग सोप खरीद के लाते हैं, हम लोग जो है विज्ञापन यानी ऐड को देख करके हम लोग जो है साबुन का चयन कर लेते हैं, और उसको हम लोग डेली तौर पर अपने घर में इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, जब भी आज हम लोग साबुन को खरीदें तो उसकी जो है क्वालिटी को हम लोग परखना बिल्कुल भूल जाते हैं, उसकी क्वालिटी को हम लोग नहीं देख पाते हैं। आज हम लोग कुछ पहचान में बताने वाला हूँ कि बेहतर साबुन कौन सी होती है और कौन सी साबुन से मैं डेली के तौर पे नहाना चाहिए। वैसे जो है बाथिंग सोप से हम लोग जो है बहुत कम लोग परिचित हैं। अब हम लोग थोड़ा समझते हैं कि जो है साबुनों की बेहतरीन क्वालिटी क्या होती है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग अभी स्क्रीन देख पा रहे हो, कई प्रकार के हमारे पास साबुन उपलब्ध हैं। इसमें से एक क्वालिटी होती है, इसमें हम लोग TFM का नाम सुने हुए हैं, नहीं तो आप देख पाएंगे अपने ये हर एक साबुन के पीछे आपको जो है TFM की इसमें एक मात्रा उसमें लिखी होती है। और TFM यानी इसको बोला जाए कि आपको टोटल फैटी मैटर, यानी साबुनों की गुणवत्ता को परखने का एक तरह से स्केल होती है, एक तरह का मापदंड होती है, जिसको हम लोग TFM में सारे कंपनी दर्शाती है। और यानी कहने का मतलब है कि जिसकी TFM की मात्रा जितनी अधिक होती है तो वो साबुन आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। थोड़ी सी मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ कि जो आपको सबसे बेहतर साबुन कौन होती है। जैसे भी मैं आपको कुछ साबुन से मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, एक साबुन एक ब्रांडेड साबुन है एश्योर सोप। TFM की मात्रा ज़्यादातर इसमें कंपनीज में से दर्शाती है उसमें, और बहुत सारे कंपनी इसमें नहीं दर्शाती। इसमें आपको लिखा हुआ है ग्रेड नंबर 1 TFM 76%, जो कि ये क्वालिटी दर्शाती है। इसके बाद मैं कुछ और आपको साबुन में दिखाने वाला हूँ। ये इसे देख रहे हैं कि हिमालय का साबुन है, जो कि स्पेशली बच्चों को नहाने में इस्तेमाल किया जाता है, और इसकी भी हम लोग सब देख पा देंगे। इसमें लिखा हुआ है कि TFM 78% ग्रेड फर्स्ट सोप, इसमें से मेंशन यहाँ पे किया हुआ है। इसके अलावा हम लोग कुछ और साबुन देखते हैं। जैसे आपको ये एक आयुर्वेदिक साबुन है, और इसमें भी आपको हम लोग TFM की मात्रा आपको इसमें दिखाना मैं चाहूँगा, जो कि इसके जो TFM को क्वालिटी को दर्शाती है। तो जैसा कि इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे TFM इसमें जो है 76% इसमें होती है, जो कि ग्रेड नंबर 1 दिखा रही है। यानी ग्रेड नंबर 1 की जितने भी साबुन होती हैं वो थोड़ी सी नॉर्मल साबुन अपेक्षा वो थोड़ा सा कॉस्टली होती है। इसके अलावा मैं एक और साबुन आपको दिखाना चाहूँगा। जैसे ये आपको साबुन देख पा रहे हैं, जो कि मार्केट में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होती है, और इसकी जो TFM की मात्रा आपको यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये 60% है, जो कि आपको ज़्यादातर यहाँ पे इंडिया में सेल किया जाता है। और इंडिया में ज़्यादातर आपको जो है नंबर 2 ग्रेड का आपको साबुन बाथ में इस्तेमाल किया जाता है। अब थोड़ी सी हम लोग पहचान कैसे करें कि हमारे साबुन कौन सी बेहतर क्वालिटी होती है। साबुन अमूमन मार्केट में 3 कैटेगरी होती है। एक होती है नंबर 1 ग्रेड, और नंबर 1 ग्रेड में जो TFM की मात्रा होती है वो 76% से अबव जो मात्रा होती है वो नंबर 1 ग्रेड मानी जाती है। इसके अलावा नंबर 2 यानी दूसरे क्वालिटी में जो होती है
वो आपको 65 से लेकर के 75% जो है TFM की मात्रा जो होती है वो नंबर दो की कैटेगरी में उसमें आती है। इसके अलावे जो नंबर थर्ड जो ग्रेड में आती है वो 50% से लेकर के 60% तक जो TFM की मात्रा होती है वो आपको नंबर थर्ड ग्रेड में इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, नंबर थर्ड ग्रेड का जो साबुन होते हैं वो बेसिकली हम लोग जो है टॉयलेट से आने के बाद हाथ को धोने में यानी बैक्टीरिया को मारने में इस्तेमाल किया जाता है, जानवरों को नहलाने में इसको इस्तेमाल किया जाता है, क्या जाता है जो कि हमारे स्किन के लिए सॉफ्ट सेफ नहीं है। एक जो है आपको एक रिसर्च के अनुसार जो आयुर्वेदिक जो विशेषज्ञ होते हैं, त्वचा रोग विशेषज्ञ होते हैं, उनके अनुसार कि जिसके हम लोग जो 76% से एवब जिसकी TFM की मात्रा होती है वो हमारे स्किन के लिए बहुत ही बेहतर फायदेमंद सॉफ्ट होती है। तो फ्रेंड्स, जब भी आप लोग साबुन को परचेज करें तो उसकी जो है क्वालिटी जरूर उसमें सर्च करें, उसको अपने TFM की मात्रा जरूर उसको देख करके साबुन को इस्तेमाल करें जो कि आपके स्किन के लिए फायदेमंद होती है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आज की आपको जानकारी काफ़ी बेहतरीन और हेल्पफुल लगी होगी। इस तरह के जानकारी के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ में शेयर करें ताकि हर एक व्यक्ति को इसके बारे में सही जानकारियाँ मिल सके। तो फ्रेंड्स, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और बेहतर जानकारी के साथ। तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।